traveling, it leaves you speechless, then turns you into a storyteller. मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त राम धनवार और सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे जिसका नाम है R to the Riders. ट्रेडिशन वही है, सुबह के 5 बजने वाले हैं और हम सब फाउंटेन पहुंच चुके हैं टाइम पर. पैकिंग चल रही है, मस्ती चल रही है, सबके सब वेरी एक्साइटेड. इस सफर को मैंने नाम दिया है सफर एक कोकन. और इस सफर की खास बात है आज मेरे साथ मेरा भाई राज और मेरी वहनी भी है. तो भाई चलो राइड की शुरुआत करते हैं. सो गाइस टाइम अपडेट 4:59 फाइनली वी आर स्टार्टिंग. सो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. आई कैन नॉट हियर यू. गुड मॉर्निंग. यस दैट साउंड्स गुड. फाइनली द वेट इज ओवर. वी आर हेडिंग अप टू मालवन. एवरीवन रेडी ब्रो? यस गाइस. ओके सो एज पर आवर डिस्कशन हेल्ड इन आवर ग्रुप सिंस 1.5 मंथ वी आर डूइंग दिस फाइनली. लेट्स गेट ऑन. सब कुछ अच्छे से हो जाए. ठीक है तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते. रास्तों से मेरी गहरी यारी हो गई, जो फर्ज से भरा था बस था वो भी खाली हो गया. बुरा है जमाना, तू चल टकर न कर अगर मगर. कैसा है ये सफर एवरीवन. सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं भाई. सुबह शुरुआत की थी ब्लॉक की 5 बजे जब हम फाउंटेन पे थे. तब से लेके अब तक का जो डिस्टेंस हमने कवर किया है ऑलमोस्ट 240 किलोमीटर, जिसको कवर करने के लिए लगे ऑलमोस्ट 6 घंटे. बट यस, मैंने कहा आप लोग से यार बात नहीं करूं, बताओ नहीं कि कैसा चल रहा है तो मजा नहीं आता है. तो हेलो नमस्ते वस्सा वस्सलाम अलैकुम एंड सत श्री अकाल. मैं ताजी बो बढ़िया ताड़ा की हालचाल. गाइस दिस इज योर्स एंड ओनली योर्स रामप्रीत धनवार एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल R to the Riders. थैंक यू यार. तो ज्यादा ही शोर हो गया था तो आपको बता दूं कि अभी तक बहुत मजा आ रहा है. आप लोग प्लीज मेरे साथ ब्लॉग पे बने रहे. अगर आप ब्लॉग पे बने रहेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आगे क्या क्या होने वाला है. और प्लीज कीप गैसिंग कि हम कहाँ जा रहे हैं. मैंने शायद टाइटल में अभी तक प्रॉपरली मेंशन नहीं किया है कि हम कहाँ जाने वाले हैं. बट अगर आप बताते हैं तो कुछ नहीं मिलेगा. अभी तक कुछ भी गिव अवे स्टार्ट नहीं किया है मैंने. बट श्योरली बहुत जल्दी स्टार्ट करूँ. प्लीज ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें, ऐसे ही प्यार करते रहें. कैसा है ये सफर पे और कोलापुर इज मोर 54 किलोमीटर टू गो. और ये एक पहला रेज पहले दिन का. अब ये पियागो वेस्पा येलो स्कूटर गाय डजंट अंडरस्टैंड कि भाई हाईवे पे जब हम गाड़ी चलाते हैं ना तो हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है. और ये डेलिबरेटली देखो कैसे गाड़ी चला रहा है सबके सामने से. मेरा दिमाग खराब हो रहा है. उसको वापस बुलाओ. इधर 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 और पीछे और पीछे और पीछे रोक. तो ये कुछ ऐसे हुआ था. शाकिब भाई ने इसे समझाया कि थोड़ा साइड से. बट इसके बाद से ये बंदा छोड़ो ऐसा तो होते रहता है. चलो हम आगे की राइड एंजॉय करें. How's it going? Very nice. हाँ तो ये सीन चल रहा है अभी और हम ट्राई कर रहे हैं किसी को कन्विंस करने के लिए. देखा जय स्पेशल घर है क्या वो ग्लव्स? ध्यान से देखिए इस ग्लव्स को. ये ग्लव्स को फेंका गया है. किसका? ये खौफ देख रहे हैं आप. खली बली हो गया है दिल दुनिया और ये सब हालात होते हुए एक बंदा है जिनको कुछ पड़ी नहीं है. देखो ये कैमरा इनके मुंह पे मारी है. मारिए मुंह पे मारिए. ये देखिए क्या खा रहा है. घर का लाया हुआ वेस्ट नहीं होना चाहिए करके भाई अकेले ही दबा रहे. इसी साथ में दूसरों पे इल्जाम डालते. देखो ये भी दबा रहे. तो मालूम नहीं था ना. आइए आइए मैं आपको मिलाता हूँ राजकुमार से. आइए आइए
आइए आइए, मैं आपको मिलाता हूँ राज से। टिंग 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 टिंग, मैं आपको राज की बात बताऊँ, उसका नाम राज है। बहुत बड़ा राज है ये। राज की बात है, किसको बताना नहीं है भाई? नहीं नहीं जरा भी नहीं। देखिए देखिए किस तरीके से मजाक किया जा रहा है, यहाँ पे मक्का लगाया जा रहा है। मुझे कुछ नहीं मिल रही थी राम भाई, मिलेगा मिलेगा बोल रहे हैं, नहीं मिला। अरे मिलेगा लाफा, सीधा कब दूंगा वो मैंने बोला नहीं, ठीक है। वो कितने झूठे। दो बंदे ठोकने वाले थे, एक तो ये बंदा खड़ा है यहाँ, चला गया। मेरे को बोलता है भाई 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 मैं चाय पी लूँ, कह रहा तो हक में सेकंड टाइम गाड़ी ठोके दूंगा। बंदे ने बोला मेरे को भाई तुम्हारा रेडबुल कुछ काम नहीं किया। हाँ ये सब बोलते थे भाई, रेडबुल पिया कुछ काम ही नहीं करा भाई, एक चाय पी लूँ क्या। गाइस स्टे ट्यून्ड, आगे मिलते हैं, बने रहे और प्लीज 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 वीडियो पूरा देखना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत इंटरेस्ट। पैरों को बांधे बेड़िया, बताए सौ कहानियां, तो रोशनी तू रंग है, तू उड़ रही पतंग है, बना है मजा आया है ना। स्टार्ट गुजर ऐसी राह से गुजर, जी उठे हर घड़ी हर पहर। भाई साहब सच्ची बता रहा हूँ यार, जो मजा आई है ना आज गाड़ी चलाने के लिए, ओ हो हो। देखो 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 ट्रैक्टर दिख रहा है आपको, इसको देख के ना पंजाब की याद आ जाए, सच्ची बता रहा हूँ। अब क्या बताऊँ यार, ऐसी जगह पे आके ना दिल खुश हो जाता है, सच्ची बता रहा हूँ। बहुत खुशी होती है मेरे से, जो प्रेशर होता है ना घर पे या फिर काम का या दोस्त फैमिली का जो भी हो, उसके बाहर निकल के हम जब ऐसी जगह पे आते हैं एंजॉय करने के लिए और ऐसा व्यू मिले ऐसी लोकेशन मिले तो मजा आ जाता है। अभी हम अपनी डेस्टिनेशन से 150 किलोमीटर पीछे चल रहे हैं और अब वहां पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा कितना नहीं, वो तो वहां पहुंचने के बाद पता चलेगा। प्लीज बहुत मेहनत लगी है वीडियो बनाने के लिए, बहुत शॉर्ट्स लिए, आपको सारा ब्लॉग में दिखेगा। प्लीज प्लीज अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। इंस्टाग्राम पे मैं एक्टिव रहता हूँ, आपको नए अपडेट्स देखने की मैं क्या कर रहा हूँ कहाँ पर हूँ, तो ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है जो आपको यहाँ पर दिख रही है, आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर। मैं आपको ये बीरोल शॉट दिखाता हूँ और दिखाता हूँ क्या खाने वाले हैं, इंजॉय कीजिए। पब्लिक मुझे देख रही है कि मैं क्या कर रहा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, खुद से बात कर रहा हूँ, बट शायद उनको ये कैमरा नहीं दिख रहा है, बट ठीक है। जी तो पेट पूजा करने के बाद कोल्हापुर के मार्केट, फिर गांव और खेड़ों से निकलने के बाद हम फाइनली आ चुके हैं गगन बावड़ा घाट पर। आपको बता दूं गगन का मतलब होता है नीला आकाश और बावड़ा का मतलब होता है डीप। तो ये जो घाट है जिस पे हम ट्रैवल कर रहे हैं ये ऊंचा भी है और गहरा भी। वेल अगर हम सनसेट के पहले आते हैं तो आपको दृश्य कुछ और देखने मिलता, बट अनफॉर्चुनेटली हम थोड़े स्लो हो गए, क्या कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, आप यही व्यू को एंजॉय करो। वैसे इस घाट को क्रॉस करने के बाद हमने सोचा है कि हम कंकौली में हॉल्ट लेंगे जहां पर हम खाना लेंगे और फिर सीधा हमारे फ्रेंड सुजय भाऊ के घर पे हॉल्ट करेंगे। आगे की कहानी मेरी जुबानी बताऊंगा, बने रहे स्टे ट्यून्ड टिल देन बाय बाय। हाँ तो जी बात कुछ ऐसी हुई, सनसेट के पहले हमको गगनबावड़ा क्रॉस करना था बट अनफॉर्चुनेटली वी डिडंट मेक इट। गगनबावड़ा इवनिंग में ही क्रॉस हुआ जब सनसेट हो चुका, क्योंकि तो बहुत देर हो चुकी थी। कैसे कैसे मैनेज करके हम लोग ने वो पॉट होल्स वैसे रोड पैचेस पे निकाल के हम बाहर निकले, पहुंचे कंकौली। अच्छा वो इंसिडेंट शेयर कर रहा हूं। ये बात देखिए गौर फरमाइए, कंकौली पहुंचने के बाद, कंकौली राइट, हाँ कंकौली, हमने सबने ऑर्डर किया खाने वाना और हम निकल पड़े हमारी मंजिल के लिए आगे जहाँ हमें जाना था, यानी हमारे फ्रेंड सुजय सावन के घर पे हम निकल गए। और हुआ क्या जो हमेशा होता है, ट्रेडिशन कंटिन्यू,
देखिए 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 ट्रेडिशन कंटिन्यू, यही होता है हमारे साथ, गिरते पड़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ उल्टा होता है और वही वी स्टक वेरी बैडली। अब ये स्टक कैसे हुए, तो हुआ ये कि हमको जाना था पोखरण, हमको ये नहीं पता था कि सुजय सावन जो हमारे फ्रेंड वो एग्जैक्टली कहाँ रहते हैं, और उनको कुछ और पता था, हमको कुछ और पता था, और हम आकर भटक गए। सुना था कि जिम कॉर्बिट दिल्ली में ना जी, वो आज मैंने यहाँ देखा है, आज मैंने वो पोखरण में देखा है। काल मूवी का जो सीन था, ऐसे बीच में से वो जो दो सूखी हुई घास होती है और जो बीच में चलना होता है, एग्जैक्टली वही उसके लिए चल रहे थे। कुछ नहीं पता कि यहाँ से कोई जानवर आ जाए, कि यहाँ से कोई जानवर आ जाए, और साथ ही साथ हमारे शाकिब भाई को भी कुछ अच्छे एक्सपीरियंस हो रहे थे। शाकिब भाई बताइए, जब आप टेलिंग करते हैं कोई भी राइड की, तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि आप देखिए, सबके ऊपर नजर रखें। बट लेकिन जब आप रात को टेलिंग करते हैं फॉरेस्ट रूट में, तब ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि अपने भी ख्याल रखें आप। जो ये नहीं हो पाया मेरे राइड में, मेरे राइड के अंदर मुझे 10 तरीके की आवाज आ रही है। एक्सपीरियंस था, मैं चाहता हूँ कि अगर कॉन्फिडेंट हो आप तो किसी पिलियन को बिठाए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, और आप प्लीज राइड पे जाइए, अकेले ड्राइव ना कीजिए और टेलिंग ना कीजिए। रेनिंग टुडे इन मालवन, उसके वजह से रोड स्लश थे, ठीक है, कीचड़ था रोड पे, पत्थर यहाँ वहाँ बिखरे थे, मैं गिरा, मेरी कलीग गिरी, हम दोनों गिरे, दोनों को चोट आई, रोड कुछ इस तरीके से दिखता था। जस्ट इमेजिन, ये रोड पे 4 या 5 बाइकर जिनमें 3 लड़कियां काफी डरी हुई। गाइस, तो आज की सिचुएशन बहुत ही खराब थी, हम बहुत बुरी तरीके से डर चुके थे, बट फिर भी सब कुछ अच्छा ही होता है एंड में, और फाइनली अच्छा हुआ। तो ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये ब्लॉग आज का अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अच्छा था कमेंट कर देना। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, यानी कि कल। तो यार बने रहना कल के लिए, भी अच्छे अच्छे कंटेंट आते रहेंगे, बहुत बहुत सारी चीज आपको दिखाने के लिए मालवन में। टिल देन, कीप स्माइलिंग, कीप राइडिंग, कीप योर सिटी क्लीन, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, रब रब। हर घड़ी हर पहर सफर।